नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हेल्पलाइन पे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, उस आह्वान को देखते हुए मैं इस वक्त अपने घर की छत पे खड़ा हूँ। यहाँ से पूरे वातावरण में आप देख सकते हैं किस तरीके की गूंज है, शंखों की, तालियों की, थाली पीटने की, और किस तरीके से है। मैं अब बैक कैमरे से दिखाऊँ आपको कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है पूरे क्षेत्र का, और लोग किस तरीके से छतों पर चढ़ के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पूरा माहौल है। लोग छतों पे आए हैं और ये देखिए आसमान में हज़ारों पक्षी घूम रहे हैं और एक अलग ही वातावरण बनाने की कोशिश की गई है, जिस वातावरण से कि पूरा वातावरण शुद्ध होगा। और उस वातावरण शुद्धिकरण से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोरोना वायरस की जंग में हम सबसे आगे होंगे, और उस जंग का नतीजा ये होगा कि कोरोना वायरस के लिए हम लड़ रहे हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव वाइब्स एनवायरनमेंट में बना सकें। लोग जो हैं यहाँ पे अपलोड करते हुए दिख रहे हैं बहुत भारी रंग में, सब अपने अपनी छतों पे हैं, घरों में हैं, इसलिए चेहरे दिखाने मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन कोशिश ये है कि आपको हम बता सकें कि किस तरीके का माहौल जो है इस पूरी पीटूपी के दौरान, कि किस तरीके से हवा में आप देख सकते हैं वातावरण में कितनी बड़ी गूंज है, शोर है। एक कोशिश है कि वातावरण को शुद्ध किया जाए, और किस तरीके से हम अपने धरती माँ को और किस तरीके से जो ये महामारी फैली है उससे हम लड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि हम अभी भी मानवता की पथ को जानते हैं। भारत मानवता के लिए जाना जाता है, और मानवता सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि हमें धरती की रक्षा करनी है, धरती को गैर इस्तेमाल नहीं करना है, धरती के नियमों का पालन करना है। और नियम यही कहते हैं कि हम शांति से रहें, अपनी लिमिटेशंस को जानें। और जिस वक्त आप देख सकते हैं वातावरण में शोर की गूंज एक देखिए आप किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इधर पक्षी उड़ रहे हैं आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में। आमतौर पे आपको ये दिल्ली जैसे शहर में नहीं देखने को मिलते, लेकिन आज आप ये देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। आप भी इस अपलोड में जुड़िए, मैं भी जाता हूँ और इस अपलोड में जुड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते इसमें योगदान नहीं दूंगा तो मैं आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करूँ। तो ठीक है, ये वीडियो आज के लिए इतना ही। दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो बहुत खास है, आगे तक शेयर करना ताकि और लोग भी इससे जागरूक हों। और आज ही नहीं, अगर दोबारा भी जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं इस तरीके के आह्वान को सुनने के लिए, समझने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये तालियां और ये गूंज सबसे बड़ी उनके लिए है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, फोर्सेस हैं, आर्मी हैं, वो ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं इस पूरे बीमारी से लड़ने के लिए, तैयारी कर रखी है और दिन रात काम कर रहे हैं। मीडिया है, हर किसी का, हर उस भारतीय का को हम धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो इस मुहिम में जुड़ा हुआ है, जो इस मुहिम के लिए लड़ रहा है, जो इस मुहिम में साथ दे रहा है और कोरोना वायरस को हराने की जंग में आगे बढ़ के सामने आ रहा है। तो वंदे मातरम दोस्तों, आप सब भी बने रहिए और अपने अपनी छतों पर जाइए, अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और इस तरीके के आह्वानों को सुनिए और उन आह्वान के तहत काम कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।